वन पीस एनिमे का रीमेक वर्जन जल्दी आने वाला है। सच में यार, एक बहुत अच्छा टाइम है वन पीस फैंस होने का, जहाँ पर वीकली बेसिस पे हमको वन पीस की मांग काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ में वन पीस का लाइव एक्शन और जल्दी हमको एगेड का न्यू आर्क भी देखने को मिलने वाला है। और अभी तो भाई वन पीस की रीमेक की बात चल रही है, जहाँ पर कंफर्म हो चुका है कि वन पीस के जो पुराने वाले एपिसोड है वो सारे के सारे रीमेक होने वाले हैं। और इन सारे एपिसोड को टोई एनिमेशन रीमेक नहीं करने वाला है, इसके लिए नेटफ्लिक्स ने एक अलग ही स्टूडियो हायर करा है, जो की है विट स्टूडियो। विट स्टूडियो 2012 से एनिमेशन इंडस्ट्री में आया है और इसने भाई स्पाइक्स फैमिली, विलन सागा और अटैक ऑन टाइटन इन जैसे पॉपुलर एनिमे को एनिमेट भी करा है। और भी छोटे मोटे बहुत सारे एनिमे को इन लोग ने एनिमेट करा है, लेकिन इन लोग का आज तक का सबसे बड़ा वाला प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से वन पीस का ही रहेगा। अगर यहाँ पर हम बात करें कि ये लोग कौन से एपिसोड को रीमेक करने वाला है, तो मेरे हिसाब से जब वानो कंट्री की शुरुआत हुई थी तभी से वन पीस का एनिमेशन काफी ज्यादा अच्छा हो गया था, तो ऐसा देखा जाए तो वो लोग टोटल 890 एपिसोड को रीमेक करेंगे। तो यहाँ पर बात रीमेक की हो रही है, तो मेरे हिसाब से भाई विट स्टूडियो इतने ज्यादा एपिसोड नहीं निकालेगा, वो लोग एपिसोड की क्वांटिटी भी घटा देंगे और स्टोरी की जो पेसिंग है वो भी अच्छी कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग वन पीस के पेसिंग से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, वो जल्दी वन पीस एनिमे को ड्रॉप कर देते हैं। तो शायद से यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वो एपिसोड की क्वांटिटी घटा के स्टोरी के ऊपर फोकस करे और एनिमेशन के ऊपर फोकस करे, तो शायद से यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वो लोग भाई एपिसोड की क्वांटिटी कम कर दे और अपना पूरा का पूरा ध्यान स्टोरी और एनिमेशन की तरफ कर दे, जिसकी वजह से भाई बहुत सारे लोग जल्दी वन पीस को खत्म कर पाएंगे। अगर इस टाइप से उन लोगों ने वर्क भी किया तो बहुत सारे वन पीस के फैंस ऑफेंड भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें उन लोग को एपिसोड के अंदर से कट करनी पड़ सकती है। अगर यहाँ पर नेटफ्लिक्स को एक एक घंटे के एपिसोड चाहिए तो भाई स्टोरी की पेसिंग काफी ज्यादा अच्छी हो जाएंगी और साथ ही साथ में इंट्रो आउट्रो का टाइम काफी ज्यादा बच जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो इस वाले रीमेक का खर्चा पूरा का पूरा नेटफ्लिक्स उठाने वाली है, तो इसलिए मे भी हमको एक एक घंटे के भी एपिसोड देखने को मिल सकते हैं। अगर वो 20-20 मिनट के एपिसोड निकालने लग जाए तो भाई उनको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा भाई पूरी की पूरी सीरीज को रीमेक करने के लिए। और वन पीस का रीमेक नेटफ्लिक्स के ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब भाई हमको वन पीस मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलेगा, जहाँ पर मेनली भाई जो लोग को भाई डब के अंदर देखना पसंद है, हिंदी डब भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है नए वाले एनिमेशन की, तो जिसके अंदर हमको काफी ज्यादा नए नए चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर छोटे मोटे कैरेक्टर चेंजेस भी रहेंगे। साथ साथ में यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि भाई जो वॉइस आर्टिस्ट ये लोग हायर करने वाले है, या वो पुराने वाले एपिसोड के अंदर से भाई वॉइस क्लिप उठा के नए वाले एपिसोड के अंदर डालेंगे, ये लोग तो एक टाइप से रीमेक कर रहे हैं ना ही रीमास्टर कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से भाई यहाँ पर पूरा का पूरा नया क्रू भी हो सकता है। तो यहाँ पर मे बी वॉइस आर्टिस्ट हमको नए वाले देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भाई वन पीस के वो जी वॉइस आर्टिस्ट की एज तो काफी ज्यादा हो चुकी है, तो वो लोग भाई टोई एनिमेशन के लिए काम करेंगे या नए वाले रीमेक के लिए काम करेंगे, क्योंकि भाई वन पीस का फाइनल सागा भी शुरू हो चुका है, तो उन लोग को ऑलरेडी इतना ज्यादा वर्क रहता है। तो अभी फिलहाल तो हमको वॉइस आर्टिस्ट के बारे में पता नहीं चला है कि वो लोग भाई पुराने वाले हायर करेंगे या पुराने वाले एपिसोड के अंदर की वॉइस यूज करेंगे, तो अभी फिलहाल हमको ना ही वॉइस क्रू के बारे में पता चला है, ना ही पता चला है कि भाई टोटल कितने ज्यादा एपिसोड रीमेक होने वाले हैं। तो जैसे ही मुझे रीमेक के ऊपर और भी डिटेल्स मिलती है तो मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बना दूंगा। तब तक आप इस वाले रीमेक के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो क्या आप लोग भी भाई नया वाला रीमेक देखने के लिए रेडी हो? तो चलो ओटाकूस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।